हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रैडल की। मैं आपको बताऊंगा कि अगर मार्केट आपकी स्ट्रैडल को चैलेंज करता है ऊपर या नीचे किसी भी तरफ, तो आप किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हो, किस तरह के एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। मैं ऑलरेडी स्ट्रैडल के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ। एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट आपकी स्ट्रैडल को चैलेंज करता है तो आप अपना जो स्ट्रैडल जहाँ पे आपने बनाया है उसको शिफ्ट कर दीजिए ऊपर या नीचे, जिस भी तरफ मार्केट आपको चैलेंज करता है। तो आज का वीडियो है इसमें इसी यही जो चीज़ मैंने आपको बताई थी उस वीडियो में, उसी को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँगा, एक और मॉडिफिकेशन इसमें ऐड करूँगा। तो ये क्या है, किस तरह से आपको ट्रेड करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और प्रैक्टिकली ये करके दिखाता हूँ। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पर जाके और आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे जो मैंने कोर्सेज डाल रखे हैं उनको आप चेकआउट कीजिए। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि स्ट्रैडल को हमें किस तरह से मैनेज करना है। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं। यहां पे अब मैं आपको दिखाता हूं एक स्ट्रैडल को ट्रेड करके। तो देखिए, अभी अगस्त की सीरीज चल रही है तो यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ये समझाने के लिए ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ये आपको ट्रेड करना है, ठीक है? क्योंकि अभी अगस्त की सीरीज़ में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। मैं स्ट्रैडल को बेसिकली वीकलीज में ट्रेड नहीं करता हूँ, इवन मंथलीज में भी मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। और अभी का जो मार्केट है ये तो फेवरेबल है भी नहीं, मैं मोस्टली इनको लीप्स में ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ से है, ये आपको ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 19,300 के आसपास। तो मान लीजिए यहीं पे एक स्ट्रैडल आप ट्रेड करते हो तो 19,300 जो कि एट द मनी का लेवल है, यहाँ का एक कॉल ऑप्शन मैं सेल कर देता हूँ। एक लोट मैंने कॉल ऑप्शन का सेल कर दिया और एक लोट मैं पुट ऑप्शन का सेल कर दूंगा, ठीक है? तो ये आप देखिए, ये एक स्ट्रैडल बन गई है जहाँ पे मैंने एट द मनी का कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए हैं। यहाँ पे अब अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। नीचे की तरफ मेरा जो ब्रेक इवन है वो 19,000 है, ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 19,600 है। तो ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। अब देखिए, मार्केट अगर इस रेंज में रहता है तब तो मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट मेरे ब्रेक इवन को तोड़ के ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है तो मुझे यहाँ पे लॉस होगा। तो मैंने जो आपको एडजस्टमेंट बताया था वो क्या था, उसमें ये था कि मार्केट मान लीजिए आपके ब्रेक इवन को तोड़ देता है किसी भी तरफ, ऊपर या नीचे किसी भी तरफ, तो द मोमेंट मार्केट आपके ब्रेक इवन पे पहुंचता है, मान लीजिए नीचे की तरफ मार्केट जाना स्टार्ट कर देता है और मार्केट 19,000 पे चला जाता है, तो जैसे ही मार्केट 19,000 पे जाएगा आपको क्या करना है, ये जो आपकी स्ट्रैडल है इसमें से आपको एग्जिट हो जाना है और 19,000 का एक नया स्ट्रैडल आपको बना देना है। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है उनको आपको शिफ्ट करना है जैसे ही आपका ब्रेक इवन टच हो। उसका क्राइटेरिया क्या होगा कि अगर मार्केट आपके ब्रेक इवन को टच नहीं कर रहा, मार्केट मूव तो कर रहा है यूनिडायरेक्शनली लेकिन अभी तक आपके ब्रेक इवन तक नहीं पहुंचा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर किसी भी तरफ का ब्रेक इवन टच कर दिया है तो फिर आपका जो ओरिजिनल स्ट्रैडल है, जैसे इस केस में मान लीजिए नीचे का जो ब्रेक इवन है 19,000, यहाँ पर मार्केट आ जाता है, तो अब आपको 19,300 का जो स्ट्रैडल बना रखा है इसमें से आप एग्जिट लोगे और 19,000 का एक नया स्ट्रैडल आप बनाओगे। तो ये एक एडजस्टमेंट था जो मैंने आपको बताया था। चलिए, अब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन मैं ऐड करूंगा, वो आप अगर करते हो तो आपको और ज़्यादा टाइम और स्पेस मिल जाता है। तो देखिए, ये क्या करना है आपको, ये मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए मार्केट नीचे पहुँच जाता है 19,000 पे, तो जो मैंने अभी आपको बताया ये तो आप ऑब्वियसली करोगे कि आप 19,300 के स्ट्रैडल को 19,000 पे आपने शिफ्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और करनी है कि आप अगस्त मंथ में नहीं करोगे, आप इसको नीचे तो शिफ्ट कर रहे हो, रोल डाउन तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आपको अगली जो सीरीज़ है उसमें फर्दर आपको रोल ओवर और करना है, मतलब रोल डाउन के साथ साथ आपको रोल ओवर भी करना है। जब हम स्ट्राइक प्राइस को ऊपर या नीचे शिफ्ट करते हैं उसको रोल अप या रोल डाउन बोलते हैं। तो रोल अप और रोल डाउन तो आपको करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको रोल ओवर भी करना है अगली सीरीज़ में, सेम सीरीज़ में आपको ये नहीं करना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए इस केस में और मार्केट 19,300 पे चला जाता है, अभी क्योंकि मैं आपको बिल्डर में दिखा रहा हूँ जो स्ट्रेटजी बिल्डर है उसमें, तो यहाँ पे हम आगे पीछे नहीं जा सकते क्योंकि जो लास्ट मार्केट बंद हुआ था उस दिन का ये जो पे ऑफ चार्ट आपको दिख रहा है ये उस दिन का है, तो इसमें हम आगे या पीछे नहीं जा सकते। तो मान लीजिए आपकी 19,000 पे मार्केट चला गया है और अब आपको एडजस्टमेंट करना है, तो नया एडजस्टमेंट आपका क्या होगा, यहाँ पे एक और विंडो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये दूसरी विंडो मैंने ओपन कर ली है और यहाँ पे अब आप देखिए आपको करना क्या है, अगली सीरीज में आपको जाना है क्योंकि हम रोल ओवर भी कर रहे हैं, रोल डाउन के साथ साथ रोल ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगस्त से अगली सीरीज कौन सी है,
28 सितंबर की। तो इसकी मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें से आप एग्जिट ले लोगे और उसके बाद क्या करोगे, नीचे जाना आपको 19,300 से 300 पॉइंट नीचे, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट मान लीजिए नीचे चला जाता है, आपका जो लोअर ब्रेक इवन है उसको मार्केट तोड़ देता है। तो जैसे ही मार्केट 19,000 पे पहुंचेगा आप क्या करोगे, आप सितंबर की सीरीज में जाओगे और वहां का 19,000 का एक कॉल ऑप्शन आप सेल कर दोगे और एक पुट ऑप्शन आप सेल कर दोगे। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप देखिए मैंने कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये आप समझिए। देखिए मार्केट जब 19,000 पे जाएगा तो दैट मींस वो उस टाइम पे मार्केट आपके बिल्कुल सेंटर में होगा। यहां पे हमने अज्यूम किया क्योंकि मार्केट फिलहाल 19,300 पे है, हमने ये अज्यूम किया है कि मार्केट अगर 19,000 पे गया तो हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, इस वजह से ये पे ऑफ चार्ट इस तरह का दिख रहा है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको इस तरह से मैनेज करना है। देखिए इसके पीछे का लॉजिक ये है कि क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो ओरिजिनल ट्रेड था ये बिल्कुल गलत चला गया है, मार्केट यूनिडायरेक्शनली चला गया, इस वजह से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो जब आप एडजस्टमेंट करोगे तो उस एक्सपायरी में कुछ दिन जा चुके होंगे और थोड़े ही दिन बाकी होंगे, दैट मीन्स टाइम वैल्यू वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो इस वजह से जब आप रोल अप या रोल डाउन करोगे उसके साथ आपको रोल ओवर भी कर देना है। रोल ओवर करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको एडिशनल टाइम वैल्यू मिलेगी, तो जो आप नया स्ट्रैडल सेल कर रहे हो उसका प्रीमियम है वो आपको अच्छा खासा मिलेगा, और जब आप ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट करते हो तो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो वाइड होती है और आप मार्केट को टाइम दे रहे हो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। मार्केट अगर नीचे गया है तो आपने रोल डाउन कर दिया है, तो रोल डाउन करके और आप ऑलरेडी मार्केट को आपने एक स्पेस तो दे ही दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप उसको रोल ओवर कर रहे हो तो आप एडिशनल प्रीमियम रिसीव कर रहे हो क्योंकि अगली एक्सपायरी की टाइम वैल्यू और वहाँ पर ऐड हो रही है। दैट मीन्स आपने ऑलरेडी रोल डाउन कर दिया है, उसके बाद आपने एडिशनल प्रीमियम लेके और नीचे की तरफ और कुशन दे दिया है कि मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, बावजूद उसके आपने और ज़्यादा स्पेस दे दी है कि मार्केट अगर और गिरना चाहे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपने मार्केट को इतनी स्पेस दी है, आप मार्केट को स्क्वीज नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको रोल अप या रोल डाउन के साथ साथ रोल ओवर भी कर देना चाहिए, इससे आप मार्केट को स्क्वीज नहीं करते हो, आप मार्केट से इनफ स्पेस लेते हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि आप मार्केट को इतनी स्पेस दे रहे हो कि मार्केट वहाँ से घूम के और वापस आ जाएगा आपकी प्रॉफिटेबल रेंज में। तो इस वजह से कभी भी मार्केट को आप स्क्वीज मत कीजिए। मार्केट अगर गिर रहा है तो वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होगा तो ही आपको प्रॉफिट हो, वहाँ पे आप मार्केट को और स्पेस दीजिए, इस तरह का एडजस्टमेंट कीजिए, क्योंकि मार्केट की टेंडेंसी इस तरह की है कि मार्केट अगर 500 पॉइंट गिर गया है उससे अगले दिन 500 पॉइंट गिर गया है तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि अब मार्केट यहाँ से और नहीं गिरेगा क्योंकि 1000 पॉइंट गिर चुका है। मार्केट की टेंडेंसी इस तरह की है कि मार्केट अगले दो दिन और गिर सकता है उतना ही। तो इस वजह से हम मार्केट को ओवरपावर नहीं कर सकते, और मार्केट को जो स्क्वीज करता है जो भी एक ऑप्शन सेलर वो वहीं पे लॉस खाता है। तो इस वजह से मार्केट को स्क्वीज कभी भी नहीं करना चाहिए, मार्केट जिस तरफ जा रहा है वहाँ पे मार्केट को और कुशन दीजिए कि मार्केट अगर और गिरे तो आपके पास इतना टाइम है, इतना स्पेस है कि आप उस मूव को अकोमोडेट कर पाओ। तो इस वजह से रोल अप या रोल डाउन है वो अच्छा तरीका है, लेकिन उसके साथ में आपको रोल ओवर ज़रूर करना है। तो चलिए इस तरह से आप एक स्ट्रैडल को मैनेज कर सकते हो। मैंने जो पहला वाला सेगमेंट मैंने आपको बताया था कि आप रोल अप या रोल डाउन कर दीजिए, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक वीडियो में। इस वीडियो में ये छोटा सा मॉडिफिकेशन और मैंने ऐड किया है कि रोल अप या रोल डाउन को आप ब्लेंड कर दीजिए रोल ओवर के साथ। जब आप रोल ओवर करते हो तो आपको एडिशनल टाइम वैल्यू मिलती है जिससे आपके प्रीमियम है वो ऊपर चले जाते हैं, और जितना ज़्यादा आप प्रीमियम रिसीव करोगे उतनी ही वाइड आपकी प्रॉफिटेबल रेंज होगी। अगर कोई वॉयलेंट मूव भी मार्केट में आता है तो आप उसको ईजिली अकोमोडेट कर सकते हो क्योंकि आपने एक अच्छा खासा प्रीमियम रिसीव किया है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्ट्रैटजी है ये एक हाई विक्स एनवायरनमेंट वाली स्ट्रैटजी है। जब मार्केट में वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है तब आपको ट्रेड करनी चाहिए, अभी ये ट्रेड करने का सही टाइम नहीं है। और वैसे भी अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो वीकलीज में तो ऑब्वियसली मैं ट्रेड नहीं करता हूं, वीकलीज को सिर्फ मैं हेजिंग के लिए यूज़ करता हूं, लेकिन मंथलीज में भी मैं बहुत ज़्यादा इसका फ़ैन नहीं हूं। मैं स्ट्रैडल को सिर्फ लीप्स में ट्रेड करता हूं, और अगर मंथलीज में ट्रेड करना हो तो नेक्स्ट मंथ या फार मंथ में मैं इसको ट्रेड करता हूं। अदरवाइज़ लीप्स में ट्रेड करना ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। वीकलीज में तो आप भूल के भी इसको ट्रेड मत कीजिए, लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिए कि जो जब भी आप एक स्ट्रैडल को सेल करो तो वीकलीज प्रोटेक्शन आप ज़रूर बाय कर लीजिए। इससे एक तो आपकी हेजिंग हो जाती है और दूसरा आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है, आपका मार्जिन कम लगता है।
तो चलिए इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो एक स्ट्रेडल को, अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ता है तो वहाँ पे आप इस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।